चुका है विश्व का सबसे बड़ा, सिद्ध करके दिखा सकता हूँ, काम करके दिखा सकता हूँ लोगों को सामने। एक मंत्र जो है वो पूरे कलयुग को, कलयुग में जितने भी भूत प्रेत वाले हैं, पितृ दोष वाले हैं, उन सबके दोषों को निकाल के एक ही मंत्र धराशायी कर देगा उन सबके दोषों को। और वो मंत्र जो है मनु भैया द्वारा विरचित है और बंधित है उन्हीं की शक्ति से। क्यों? क्योंकि शनि धाम चाहता था कि कोई एक शक्ति ऐसी उत्पन्न हो जिससे लोगों का कल्याण हो और भूत प्रेत निकले। वो मंत्र मैंने आप सबको दिया, ओम ममका 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 मम मम भम गुम गोम हम शम भम मरकट काली महाकाल मशानी मशान गुरु गोरखनाथ शनेश्वर भैरवी भैरव देवता भ्यो नमः नमः। तो जब ये मंत्र आप जप करेंगे तो इस मंत्र को जप करते ही आपकी जो भूत प्रेत संबंधी चीजें हैं भागने लगेंगी, क्योंकि इन्हीं देवताओं से जुड़ी है। इसको छंदबद्ध किया और गायत्री इस छंद से छंदबद्ध करके जो इसके ऋषि हैं वो मैंने जो ऋषि हैं इनके मैंने इनको गायत्री छंद से बद्ध किया और जो ऋषि हैं वो ब्रह्मा जी को इनको दे दिया कि ये भगवान ब्रह्मा आप ही इसके ऋषि बन जाइए क्योंकि मैं ऋषि बनने के लायक नहीं हूँ और ग्रस्त हूँ और मेरा एक छोटा सा नाम है मनु भैया और मैं इसमें ऋषित्व में नहीं आता। तो मैंने ऋषि जो है वो भगवान किसको दे दिया? ब्रह्मा जी को, ठीक है ना। तो भगवान ब्रह्मा ऋषि है, गायत्री छंद है ये, और इस मंत्र को जब आप जब करेंगे तो आपको फलीभूत होगा ही होगा होगा। जय शनिदेव भक्तों, बस हमारी भक्ति से हमारी शक्ति से अभिमंत्रित है ये और नियंत्रित है। तो जब भी आप इसको जाप करें तो कह दें कि मनु भैया भक्ति शक्ति विरचित मनु अभिमंत्रित या नियंत्रित नियंत्रिता मनु भैया भक्ति शक्ति नियंत्रित। जब आप ऐसे बोल के करेंगे तो वो नियंत्रित होके मंत्र आपका काम करेगा। कल मैंने इस मंत्र का जप किया, मेरी गारंटी है, लिख के ले लो, 99% लोगों का काम हुआ है कल। 99% कोई आया भी नहीं, सबका हवन भी किया और सब लोगों का 99% काम भी काम हुआ। गारंटी है, लिख के ले लो मेरे से, लिख के बता देता हूँ मैं आपको। और अब जो भी लोग आएंगे उनको उत्तमता से इसका प्रसाद मिलेगा। कल सवेरे से ही सिर की सारी नाड़ियों में इतना तेज फैल रहा है कुछ नहीं, वो देवता काम कर रहे हैं सारे। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, बिना करके दिखाए कोई काम मैं नहीं करता। मैं कोई भी ऐसा वचन लोगों को नहीं देता जिसको बिना सिद्ध किए करूं, ठीक है ना। तो जब मंत्र सिद्ध हो गया, मैंने उसकी करोड़ों आहुतियां उसमें डलवा दी, तब मैंने आपको बताया कि अब आप इस मंत्र को सीधे से जप सकते हैं। ये कलयुग में कल्याण का मंत्र है और पूरे कलयुग में भगवान शंकर द्वारा जो है इसका आशीर्वाद है। पूरे कलयुग में इसको जो भी जपेगा उसको वो लाभान्वित होगा ही होगा। उसकी चीजें मैं तुरंत निकाल के उतार के दिखा सकता हूँ, ठीक है ना। आप अपनी चीजों को रमाओ मत, आपके शरीर में जो भी चीज आई है नहीं वो साथ के साथ चली जाएगी, ठीक है ना। अब बच्ची के प्रेत को बाहर निकाल के भी मैंने दिखा दिया, बता दिया आपको। लड़की को आवाज दी, एक सेकंड में उठ गई कि नहीं उठ गई, उठी कि नहीं तुम्हारे सामने? जैसे ही मैंने आवाज दी, बेटे खड़ी हो जा, खड़ी हुई कि नहीं हुई? उठ गई। तो यही कार्य है। बोलो जय शनिदेव। जय शनिदेव। बोलो सच्चे दरबार की, शनिदेव महाराज की, शबीर प्यारे की, शनि धाम की, मनु भैया की, जय शनिदेव। ठीक है ना। समय की परिपूर्णता तो किसी के पास नहीं है। बोलिए, अकाल होता क्या? आपने कहा कि घर में अकाल मृत्यु होनी, व्यक्ति की उम्र 120 वर्ष, मर कितने में रहे तो सभी की अकाल हो रही है ना भाई। तो फिर सकाल किसकी हो रही है? सकाल सकाल तो किसी की नहीं हो रही, अकाल ही हो रही है। सब सब इस पृथ्वी लोक पे मृत्यु लोक पे जितने भी लोग आए तकरीबन अकाल मृत्यु में ही मरते हैं। कोई ये ना समझे कि हमारे यहाँ अकाल हो रही है, सबके यहाँ अकाल ही हो रही है। कोई 60 साल में मर रहा है तो अकाल मृत्यु है वो, कभी कोई ये समझे। 80 साल में मर रहा है तो भी अकाल मृत्यु है। ग्रह के नियम के अनुकूल आपकी जो उम्र है वो 120 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन मानव कभी भी 120 वर्ष नहीं जी पा रहा है। कोई कोई व्यक्ति ऐसा है जो 120 वर्ष के करीब पहुंच जाता है या कोई उसको पार कर जाता है। कई महात्मा भारत में ऐसे हुए हैं जिनको 190 वर्ष, जो क्या कहते हैं आपके महावतारी बाबा थे, नहीं वो तो हजारों वर्षों से है, लेकिन तेलंग जो स्वामी थे वो 190 वर्ष और 280 वर्ष के करीब जो है देवराहा बाबा, आगे ना समझ में। तो इस तरह से और बहुत सारे भारत के संत ऐसे थे जो बहुत ही लंबे लंबे दीर्घ जीवन जिन्होंने जिया है। ऐसे कई आयुष्मान वे भी थे, ऋषि भी रहे और भी और योगी भी रहे, ठीक है ना। इस तरह से तो आप लोगों का कार्य हो, आप लोग जो है ना, अकाल मृत्यु का मतलब ये नहीं है कि आपके घर में अकाल मृत्यु हो रही है। वो 20-30 साल का, 10-15 साल का फर्क है ही है, ठीक है ना। वैसे अभी तक जो जो गुजरे उनकी क्या क्या आयु थी बताना, 40-45 के बीच में तीन लोग, 40-45 50 के ज्यादा।
एवरेज ही आ गई भाई। अरे खान पान कुछ नहीं रहा, भारत की संपदा कुछ नहीं रही, ठीक है, सारी धरतियां खोद डाली गई, पृथ्वियां खोद डाली गई, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हो रोजाना, ठीक है, धुएं में जी रहे हो, पॉल्यूशन में जी रहे हो, तो क्या कितनी आयु रहेगी? प्लास्टिक खा रहे हो, चावल में प्लास्टिक के दाने मिलके आने लगे, हर चीज में मिलावट हो गई है, ठीक है, नाले का पानी बथुआ होता है, नाले का बथुआ, नाले की वो सब यहाँ होता है, गंध में पैदा होता है सब, बताओ। तो घर में और कोई दिक्कत नहीं है? जैसे घर की दिक्कत भैया देखेंगे।